सभी देशवासियों को आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, भारत में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इन 75 सालों में भारत ने बहुत कुछ देखा है और भारत बहुत बदल भी गया है। तो आज जैसा हम लोग आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि आज़ादी का महत्व क्या होता है, आज़ादी अपनी कभी खोनी नहीं चाहिए और आज़ाद रहने की खुद के अंदर अलग जगह रखने चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी है कि व्यक्तिगत आज़ादी हमेशा बनी रहे। इसीलिए भारत जो है प्रगतिशील रहेगा, इसी कारण से भारत सबसे आगे रहेगा। यही वजह है कि हमारे भारत देश में जो है आज़ादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह फेरियां निकाली जा रही हैं, जिससे लोगों को पता चले कि भारत ने आज़ाद होने के लिए कितने सारे संघर्ष झेले हैं। तो यह सबको पता होना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि भारत ने कितनी शहादत झेलकर यह आज़ादी पाई है? भारत ने 200 वर्षों की गुलामी झेली, कई क्रांतिकारी शहीद हुए, कई नेता अपनी जान दिए, तब जाकर यह आज़ादी मिली है। दोस्तों, इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिससे हमको जो है आज़ादी के बारे में, अपने लड़ाइयों के बारे में, किस तरह आज़ादी मिली उसके बारे में हम जान सकें। साथ ही भारत इन 75 सालों में विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ा यह भी जानें। दोस्तों, ये देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली में बना लाल किला, जहां से जो है 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश को संबोधित करते हैं। यह जो है भारत के 26 जनवरी संविधान दिवस गणतंत्र दिवस से अलग इसलिए है कि इस दिन जो है प्रधानमंत्री अपने देश को लाल किले से संबोधित करते हैं, जबकि जो है गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति के सामने भारत की बहादुरी, भारत की राज्यों की झांकी राजपथ पर प्रदर्शित होती है। दोस्तों, भारत के लिए यह गौरव का जो है दिन है क्योंकि आज हमने आज़ादी के 75 साल को पूर्ण कर लिया है। साथ ही विश्व मानचित्र पर भारत नई महाशक्ति के रूप में उभरा है। तो दोस्तों, अपने इस भारत देश से प्यार करिए, भारत का सम्मान करिए। आइए हम राम प्रसाद बिस्मिल की एक लाइन को कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। तो दोस्तों, यही रहा हमारा छोटा सा संदेश आज़ादी के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलते हैं फिर।